विष्णु दर्शन दिए हैं, अरे कृष्णावती तेरे नित्य कर्म पूजा पाठ से मैं बड़ो प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। कोई कमी नहीं थी परंतु प्रभु मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, ना भाई का प्यार मिला, ना बहन का प्यार मिला, जवानी में मैं विधवा हो गई, ना पति का प्यार मिला, ना पुत्र पुत्री का प्यार मिला, प्रभु मेरे इतनी पत्थर की छाती हो गई। या इंद्रशेन पर्वत पे आ गए, क्षीर सागर में तो आपने पानी पीने को गौ छोड़ दी है, और या शराब पे बैठ के कहने लगे हैं, अरे दाऊ भैया, अरे ग्वाल वालों, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो है, का छाक रखी है, अपने अपने भोजन छाकर ने या शिला पर रख लियो या पे बैठ के भोजन करे। कृष्ण बार बार कह रहे हैं, अरे मधु मंगल, सब सखान ने अपना भोजन रख दिया और तेरी मैया ने तुम का भोजन रखो रख, अब शर्म के मारे में खट्टी छाछ पीने ना किए, कृष्ण के सामने नहीं रखे और मुंह फेर के जो है वह छाछ पीने लगो। कृष्ण ने आवाज दी, जब नहीं बोलो है तो कृष्ण खुद खड़े हुए हैं और मधु मंगल के मुंह में छाछ भरी हुई, उनके गुलचा मारा, गुलचा मारा है तो मधु मंगल की छाछ कृष्ण के मुंह पे गिरी है, तो उसको चाट रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखो सही कैसे अवतार हुए, कैसे प्रभु हुए, जब उन्होंने सीम को देखा तो उनको यह भ्रम हो गया कि ये अवतार नहीं हो सकते, ये तो झूठन खा रहे। तो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनके गाय बछड़ों को आप गौरों को कहने लगे, अरे कान्हा तेरी गाय बछड़ी नहीं दिख रही, कहाँ है? कृष्ण ने गौओं के नाम रख रख के उनको आवाज दी, जब कोई गौ नहीं आई है तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखकर ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को ले गए। तब कृष्ण ने समझ लियो ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने आठ वर्ष के कृष्ण ने फिर भूल गाय बछड़े जो है चढ़ते हुए दिखाए। ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर भी गाय चल रही है, नीचे भी वही गाय चल रही है, तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि यही अवतार है, यही प्रभु है, यही कृष्ण है। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आठ वर्ष के कृष्ण से क्षमा मांगी है। उसके बाद दोनों भैया ने बैठ के सखन के साथ भोजन कीनो है, अपने हाथ से श्री कृष्ण अपने सखन को खवा रहे हैं। कृष्णावती की वो झूठन से मुक्ति हो गई है और इस जिला का नाम द्वापर युग से भोजन खा रही है। अरे कृष्णावती तेरी यह नृत्य कर्म से पूजा पाठ से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। कृष्णावती कह रही है प्रभु मेरे 85 साल की उम्र हो गई, वैसे तो मैं राजा की लड़की, राजा को ब्याह गई, धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु प्रभु मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला, न भाई का प्यार मिला, न बहन का प्यार मिला, जवानी में मैं विधवा हो गई, न पति का प्यार मिला, न पुत्र पुत्री का प्यार मिला, प्रभु मेरे इतनी आपकी जो झूठन बचेगी उसी से मेरा जीवन का उद्धार। विष्णु भगवान बोले कृष्णावती ऐसे तू मथुरा के पश्चिम काम बन रही है, मैं इंद्रशयन पर्वत है उसकी तलहटी तू पत्थर की सलाह हुई थी, जब मैं गौ चारा लीला करता हूँ आऊंगो तब तो मैं बैठ कर भोजन करूँ। जब द्वापर में कृष्ण ने जन्म ले लियो है, दोनों भैया ने ग्वाल वालों के संग अपने नाना मामा की गौ चराई है, और गौ चराते चराते आप एक दिन यहाँ इंद्रशयन पर्वत पे आ गए हैं, क्षीर सागर में तो आपने पानी पी भी गौ छोड़ दिए, और यह सलाह पे बैठ के कहने लगे हैं, अरे दाऊ भैया, अरे ग्वाल वालों, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो, का छाक रखी है, अपने अपनी छाक भोजन हमने यहाँ सलाह पे रख लियो, यहाँ पे बैठ के भोजन करूँ। तो सब सखान ने अपने जो उनकी मैया ने बना के भोजन दिन हो या सलाह पे रखवा लिन हो, उनमें एक मधुमंगल बड़ो भरी वागी मैया ने बाकी कोई छाक ना रखी, कोई भोजन ना रखो, वो पड़ोस से 3 दिन की खत भोजन पर रख, अब शर्म के मारे नहीं रखे और कृष्ण से मुंह फेर के वह छाछ पीवे लगो है।
जब कृष्ण आवाज आई नहीं बोले, खुद स्वयं खड़े हुए कृष्ण और मुंह में मधुमंगल के छाछ भरी हुई थी। कृष्ण ने गुलचा मारो है, गुलचा मारने से मधुमंगल वैसे तो छाछ अपने भोग दे नहीं रहे, ठाकुर जी ने गुलचा मार के उसकी मुंह की छाछ जो है अपने मुंह पर ली, तो वो छाछ जो है भगवान श्री कृष्ण के मुंह पे करी है और उसको झूठन को चाट रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी देख रहे हैं, देखो सही कैसे अवतार हुए, कैसे प्रभु हुए। जब उन्होंने इस सीन को देखा तो ब्रह्मा जी को इस स्थान पर भ्रम हो गया, अरे ये तो सबको झूठन खा रहे, ये अवतार नहीं हो सकते, ये प्रभु नहीं हो सकते। तो उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उनकी गाय बछड़ों को आप गौर ब्रह्म रूप को ले गए हैं और फिर कहने लगे, अरे कान्हा तेरी गाय बछड़े नहीं दिख रहे, कहाँ है? कृष्ण ने गौओं के नाम लगाया, देखो ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को ले गए, तो कृष्ण समझ गए ब्रह्मा जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो 8 वर्ष के कृष्ण ने फिर कोई गाय बछड़े चलते हुए दिखाए, ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर भी कोई गाय चल रही है, नीचे भी कोई गाय चल रही है। तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि यही अवतार है, यही प्रभु है, यही कृष्ण है। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने 8 वर्ष के कृष्ण से क्षमा मांगी है। उसके बाद दोनों भैया ने बैठ के सखन के साथ भोजन कीनो है, अपने हाथ से श्री कृष्ण आपने सखान को खबा रहे हैं, कृष्णावती की वो झूठन से मुक्ति हो गई है और इस शिला का नाम द्वापर युग से भोजन खा रही है। राज धरण हम तुम्हारी शरण, खुल लगे निहारे लाल की, श्री गिरधरगोपाल भगवान की, श्री गिरिराज भगवान की। कुंड राधा कुंड कुसुम सरोवर पर्व के राज्य में पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और उसके बाद जतिपुरा में
गिरिराज जी का पूजन और गोवर्धन के आसपास और जितने भी धार्मिक और प्रतिष्ठित स्थान है उनका दर्शन, गाड़ियाँ जाना प्रतिबंधित है गोवर्धन में NGT के आदेश के अनुसार। गोस्वामीनंद जी का आश्रम तक गाड़ियाँ हम लोग ले जाएंगे और वहाँ से पैदल थोड़ी दूर जो स्थान होंगे वो जो पंडित दया प्रसाद जी महाराज की समाधि का दर्शन और जो भी स्थान है वो या तो पैदल जो पास में होंगे या ई रिक्शा से वो किए जाएंगे और उसके बाद सायंकाल आज हम लोग वापस आएंगे। सभी लोग प्रतिदिन के भांति अपनी अपनी गाड़ियों में और क्रम के अनुसार ही बैठे और जहाँ जितना समय जिसको कहा जाए उतना ही रुके, उसके बाद अपने जैसे आप पड़े अनुशासन के ढंग से चल ही रहे हैं। गिरिराज भगवान इस कलिकाल में वही गिरिराज भगवान है जिनको भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व अपनी उंगली पर उठाया था। प्रत्यक्ष रूप में आज जो प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए थे उस समय और गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने प्रारंभ करवाई थी। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज को हमारे गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य ओड़िया बाबा जी महाराज, उन्होंने गिरिराज परिक्रमा का आदेश दिया और उन्होंने कहा एक वर्ष परिक्रमा करो फिर तुम्हारी दीक्षा का विधान होगा। एक वर्ष परिक्रमा करके भी जब वो नहीं लौटे तो ओड़िया बाबा जी महाराज ने पूछा कि भाई पंडित जी आए नहीं, क्या हुआ? उन्होंने कहा पंडित जी तो कह रहे हमारा काम हो गया। तो बाबा स्वयं वहां गए गिरिराज परिक्रमा में, पंडित जी मिल गए। पंडित जी से पूछा बाबा ने कि तुम आए नहीं? बाबा को तो सब पता था। पंडित जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोले मेरा काम हो गया। गिरिराज परिक्रमा करते करते उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए थे वहां गिरिराज परिक्रमा में। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि जो निष्काम भाव से गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा करता है उनको भगवान के दर्शन होते हैं, जो सकाम भाव से करता है पुत्र प्राप्ति के लिए। अनेक भक्तों ने हमारे गुरु जी के आदेश से परिक्रमा किया हर पूर्णमासी को, उनको संतान प्राप्ति हुई। तो गिरिराज जी साक्षात देवता है, भगवान कृष्ण के स्वरूप है। वहां एक तो जूता चप्पल पहन के कोई आगे नहीं जाए गिरिराज जी के पास और उनकी परिक्रमा में जब भी रहे तो अपने गुरु मंत्र का जप या गिरिराज जी का स्मरण भजन कीर्तन ये चलता रहेगा, उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रतिदिन की यात्रा सुंदर से सुंदर हो रही है हमारे महापुरुषों के पावन सानिध्य में, पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज की अध्यक्षता और परम पूज्य परमहंस पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज का पावन सानिध्य, हमारे शंकराचार्य परंपरा के संवाहक श्रद्धेय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का आशीर्वाद और हमारे परम स्नेही मित्र जो वेदांत से तब भक्ति में जिनका हृदय विगलित हो रहा है, ऐसे हमारे स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज और हमारे बाल गोपाल स्वामी संविदानंद जी महाराज इनको आप लड्डू गोपाल कहें, बाल गोपाल कहें, जो भी कहें, क्योंकि रेत में खेलने उनको बड़ा आनंद आता है। घर बनाएंगे, रेत में खेलेंगे और आज भी उनका स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा ही है, अरे आकार में सबसे बड़े हैं क्या सब निराकार बाकी स्वभाव से तो बालवत ही है और संत की यही पहचान है, संत को जहाँ जहाँ उनके विषय में एक विशेषण रहता है बालवत। तो वैसे बालवत ये जितने बैठे हैं पांचों ही हैं और बाबा जी भी हैं, बाबा जी नहीं है तो भी मैं बोल देता हूँ अभी हाँ बाबा जी फिसलनी शिलापरि से अजमी जिस ढंग से फिसले तो हमको लगा कि इनमें भी संत हमेशा बालवत ही होते हैं, उनको दंड मिला हुआ करने तो बहुत आनंद हो रहा है। और संत जितने यहाँ है सब बालवत है और ये संत अगर सरल नहीं है सहज नहीं है तो संत कहेंगे ये, और इतने बड़े बड़े महापुरुष है कि एक व्यक्तित्व ऐसा है जो आज भारतवर्ष में खोजने को नहीं मिलेगा, ऐसे संतों के सानिध्य में ये यात्रा। हमारे ब्रजेश गोस्वामी यही खड़े होंगे, ये 8 या 9 परिक्रमा ब्रज की पैदल कर चुके हैं बहुत भीड़ के साथ संतों के साथ,
लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे को इस परिक्रमा में जितना आनंद आ रहा है उतना पहले किसी परिक्रमा में आनंद नहीं आया। तो ये ठाकुर जी की कृपा और संतों का पावन सानिध्य है। और वो भी ऐसे संत, आप लोग कल साथ में ही थे, आप पेड़ में सब चढ़े हुए थे, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और हमारे बाल गोपाल तो सबसे ऊपर चढ़ गए, और फिर केदारनाथ में वो गन लेके खड़े हुए थे। तो ये बच्चों का स्वभाव पूरा, मैंने लिया नहीं था, इन्होंने दिया था मेरे को। मैंने अपनी केक में शामिल किया था। तो ये आनंद है, इसी का नाम आनंद है, क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम जैसे सब प्रधान अवतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कपिल भगवान चित प्रधान अवतार है, ज्ञान का उपदेश दिया और कोई काम नहीं किया, ऐसे भगवान कृष्ण आनंद प्रधान अवतार है, इसलिए उनकी हर लीला में आनंद ही आनंद है, उनकी भूमि में आनंद है। भगवान कृष्ण सच बोले तो आनंद, झूठ बोले तो आनंद, ईमानदारी रखे तो आनंद, और चोरी करे तो आनंद, युद्ध करे तो आनंद, भाग जाए तो आनंद। तो आनंद प्रधान यह अवतार है भगवान कृष्ण का, और ये भूमि है, ये भूमि परम पावन है, और ये मंदिर जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं 300 वर्ष पुराना मंदिर है, 300 वर्ष पुराना, और एक संत के द्वारा स्थापित है, और जिस राजा ने पहले बनवाया था थोड़ा सा, उस राजा से संत का महाराज जी विवाद हो गया था, और राजा अपने ईगो में रहता था पैसे के, और संत तो पैसा और शक्ति से मिलते नहीं, विवाद हो गया, और संत महाराज जीत गए। फिर दूसरे राजा ने, राजा माधवगढ़ ने पूरे मंदिर का निर्माण कराया, और राजा हार गया पहले वाला। तो ऐसे एक प्रतिष्ठित महापुरुष के द्वारा स्थापित मंदिर है। यहाँ के विग्रह आप देखेंगे, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कहते हैं कि यह तो श्री राधा रमण के विग्रह में बहुत आकर्षण था प्राचीन मंदिरों में, यह हमारे गिरधर गोपाल के विग्रह में इतना आकर्षण है। और तो ये इतना सारा संयोग, ये प्रयास हम लोगों का है, कलकत्ता वालों का है, श्री शरणम के लोगों का है, हमारे भक्तों का है, लेकिन प्रयास से सब कुछ नहीं होता है। प्रयास के साथ साथ जब तक ठाकुर की कृपा न मिले तब तक ये काम सफल नहीं होते हैं। तो आप लोग इसका अनुभव करते हुए आनंद पूर्वक यात्रा का आनंद लें, और जैसे रोज अनुशासन में रहते हैं, हमारे हम लोग कभी कभी छोड़ देते हैं अनुशासन, पेड़ में चढ़ जाते हैं, तो वैसे आप नियम का ध्यान रखें, और आज यात्रा का क्रम मैंने वैसे बता दिया, और कुछ परिवर्तन होगा तो हमारे गोस्वामी जी हैं, सरस जी हैं, ये लोग बताएंगे। आज गिरिराज जी जा रहे हैं, आज ही बारिश हो रही है। हाँ देखो गिरिराज जी की लीला, आज गिरिराज जी जा रहे हैं तो बूंदाबांदी भी हो रही है, थोड़ा हल्की बारिश भी हो रही सब सबके। और मैं चाहूंगा आज थोड़ा बाल गोपाल भी हमारे कुछ बोले। सौभाग्य है, परम सत्य है, बाबा कल्याणदास जी महाराज की अध्यक्षता में परम सत्य है, बाबा स्वरूप स्वामी गिरिशानंद जी महाराज, वेदांत केसरी और शिव स्वरूप स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, दंड स्वरूप परम सत्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज, रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज, और पूरे विश्व में योग साधना तपस्या के अंदर पृथ्वी लोक तक ही सीमित नहीं, नासा तक, नासा ने आकाश में भी जिनको स्थापित कर दिया है, ऐसे परम सत्य हमारे बड़े प्रातः स्वामी निरंजानंद जी महाराज, बहुत ही आनंद आ रहा है परिक्रमा में। हम लोग सब पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं, और सच में ऐसा आनंद, और भी बहुत सारी यात्राएं हम लोग करते रहते हैं, पर जो आनंद इसमें प्राप्त हो रहा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई हम सब लोगों के ऊपर, और हम लोग यहाँ 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं, देखते देखते देखिए आज 5वां दिन हो गया है, 2 दिन और बचे हैं। इतनी
तीव्र गति से समय चला गया, पता भी नहीं चला, क्योंकि आनंद है। जहाँ आनंद होता है वह समय का मालूम नहीं पड़ता है, और जहाँ आनंद नहीं होता है वहां समय कटता नहीं है। हम कब सुबह निकलते हैं, कब शाम को लौट के आते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। नहीं तो लोग घड़ी देखते रहते हैं बार बार, क्या बजा क्या बजा क्या बजा, और यहाँ जो है घड़ी देखने का टाइम नहीं मिलता है। जब यहाँ आकर के पहुंचते हैं तो सब एकदम बिल्कुल, सबके चेहरे एकदम बिल्कुल हंसी भी रहते हैं, मुस्कुराए, प्रसन्न, प्रफुल्लित, उत्साहित, किसी के चेहरे पे कोई उदासी का भाव नहीं रहता है। कल एक माता जी है, मैं तो आश्चर्य करता हूँ स्वामी जी, वो भी केदारनाथ में चढ़ गई, जो सबसे ये साफ कहीं कहीं पता नहीं हो कि वो कह रहे हैं कि स्वामी जी के आशीर्वाद से भी ऊपर चढ़ गए। स्वामी जी ने कहा आ जाओ धीरे धीरे। और मैं समझता हूँ प्राय सभी लोग गए होंगे केदारनाथ, कोई बाबा जी देगी वही वृद्ध, और बिना बहुत सारे लोग गोली गए, पर सब लोगों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। और भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई तो आप स्वयं पता अनुभव कर सकते हैं, पर हमको ऐसा लगा कि जैसे केदारनाथ में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। और ये स्वयंभू शिवलिंग है, किसी के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है ये, अपने आप। और जिस तरह से गुफा में प्रवेश करते हैं तो नारायण जैसे व्यक्ति बच्चा जब बाहर निकलता है गर्भ से, वैसे ही उस वो भी एक ही जो है नया जीवन है, उस गुफा में से बाहर निकलना है, यानी भगवान शंकर ये आशीर्वाद देकर के भेजते हैं, बेटा जाओ तुम्हारा नया जन्म हो गया, अपनी चिंता मत करो किसी बात की, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और आज भी हम लोग जहाँ दर्शन करेंगे वो भी प्रत्यक्ष गिरिराज गोवर्धन जो है साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और गिरिराज गोवर्धन के बारे में एक बात और मैंने सुनी है कि जैसे गंगा जी से गंगा जल ले जाते हैं लोग, और कहीं कैलाश मानसर हो जाती है वहां से कोई पत्थर ले जाते हैं कैलाश का, पर गिरिराज गोवर्धन का कोई पत्थर लेकर के नहीं जाता है। अगर कोई लेकर चला गया गिरिराज गोवर्धन का पत्थर तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसको वापस आकर के रखना ही पड़ेगा, ऐसी मान्यता है। ब्रज के बाहर नहीं जाता। हाँ, तो इसलिए वो गिरिराज गोवर्धन का पत्थर उठा करके झोले में मत डालिएगा। हाँ, ये क्योंकि यहाँ कोई छोड़ना पसंद नहीं करता। जैसे काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी की मिट्टी भी काशी छोड़ना पसंद नहीं करती है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि पार्वती भगवान से कहती है कि जो व्यक्ति काशी छोड़ करके जाना चाहते हैं उनको अपने पैर काट लेना चाहिए, पर काशी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे वृंदावन का वाक्य है। तो नारायण भगवान से भी आप सभी लोगों के लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। खूब आनंद से स्वस्थ प्रसन्न हम सब लोग रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति 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 शांति। दिए अपने सिर पर रखकर और बरसाने तक पैदल आई, नृत्य करते करते। इस नृत्य को चरकुला नृत्य कहा जाता है और ये विधा अभी भी जीवित है ब्रज में। तो वो उस गांव में चलेंगे, वहां पर शिलाएं हैं, उनके दर्शन करेंगे, कुंड भी है, और निम्बार संप्रदाय का ये जो दर्शन है, इस संप्रदाय के वहां संत है। हाँ, भजनी शिला है वहां पर, बाजनी शिला के दर्शन करेंगे। उस पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी हम ठोकेंगे तो उस पे एक ऐसे आवाज आएगी, चार आवाज आएंगे, चार तरीके की आवाज आएंगी, चार अलग अलग आवाज आएगी, वो सब आपको अनुभव होगा। राधा रानी और उसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ चलेंगे। पूरा गिरिराज जो है ये साधारण पत्थर पाषाण नहीं है, ये मणि में है, मणि खचित कहा गया पुष्टि संप्रदाय में। और संपूर्ण सात कोष जो है ये विष्णु स्वरूप का गया है। जितना अधिक से अधिक हो सकेगा उन स्थानों के दर्शन हम लोग आज करेंगे। जय श्री राधे। खुद को नहीं आता है इंसान, पूछिए राजू क्या थे, राजू क्या। राधे राधे।
मूर्ति नाचने लगी। 108 दीपक झाल पर लगा करके सिर पर रख करके नाचती हुई रावण गई है। तो यहीं से चुरकुला जो नृत्य है उसका प्रारंभ हुआ है। बीच में आप दर्शन करेंगे, बीच में राधा रानी बैठी हुई है, उनके दाहिने ओर में उनकी नानी मुखड़ा देवी है और बाई ओर माता की कीर्ति देवी है। ये दर्शन है यहाँ का।
जी को गिरिराज रूप में माना, अन्य जितने भी यहाँ महापुरुष हुए वो उतना सम्मान प्राप्त नहीं कर पाया कोई जितना पंडित जी महाराज को प्राप्त हुआ। और जब पंडित जी महाराज ने अपने नश्वर देह का परित्याग किया 6 जून 1994 को, जब उनका अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, तो 6 जून को आप कल्पना कीजिए उस समय बारिश हुई और जैसे केसर की बूंदें गिरी। ये जो यहाँ के गोवर्धन के जो वासी हैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आनर परिक्रमा मार्ग के प्रारंभ में ही पड़ता है, उसमें पंडित जी महाराज निवास करते थे और उस समय जिन बालकों को सौभाग्य प्राप्त होता था पंडित जी के यहाँ आने का, उनके दर्शन स्पर्श का, तो 5-5 वर्ष के बालक जो शुद्ध उच्चारण करना नहीं जानते हैं वो भी सत्वर श्रीमद भागवत का मूल पाठ कर लिया करते थे। ये अद्भुत पंडित जी महाराज का ऐसा चमत्कार होता था जिन बालकों को वो सौभाग्य मिला। जो बालक सही से बोलना नहीं जानता है वो बालक बिना पुस्तक के सत्वर पाठ कर लेते थे। पंडित जी के एक नहीं अनगिनत चमत्कार हैं और कोई भी श्रद्धालु भगत आते थे तो पंडित जी महाराज एक ही बात कहते थे कि भैया और तो कुछ नहीं, जहाँ 4 ब्रजवासी बालक हों उनमें एक कृष्ण है और जहाँ 4 ब्रजवासी बालिका हैं उनमें एक राधा रानी है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।
भगवान ने सात नाके में कूटनाथ में मारो, सात बरस के में गिरिराज पर्वत को धारण कियो, कितने दिन? सात दिन और सात रात। गिरिराज जी की परिक्रमा भी सात फुट की है और कहते हैं गिरिराज जी से भी बसाना भी सात फुट, माने गिरिराज जी से बसाना भी सात फुट, माने गिरिराज जी की जो परिक्रमा है 84 है वो सात की है, कि सात ही लोक है, सात ही दीप है, सात ही खंड है और प्रभु ने शरीर में चक्र भी सात बनाया, आत्मा तक तो व्याकृत करना पड़ेगा। हमारी सारी रस में ऋषि भी सात बना और चंद्र सरोवर के स्रोत भी सात है, शादी हो तो मेरा भी सात हो, सर भी सात है और सात में भैया आयो है और सात में ही तुमको जानो है। तो भगवान ने सारस्वत का शांति महाराज की चंद्र सरोवर, चंद्र सरोवर में 6 महीना की एक रात की और चंद्र सरोवर में पानी पानी होके गिरे। इसी महाराज को देखने के लिए कहते हैं शास्त्र में विदित है कि भोलेनाथ आए पहले महाराज का दर्शन करने, पहला महाराज यही है बसंती महाराज, केवल गोपी देख सकते। तो भगवान ने कही कि एक पुरुष केवल रात में केवल एक में ही है, तो भोलेनाथ छिपके से स्नान किए सामने, तो गोपी बन गए और गोपी बन गए, माथे पर चूना लाल बेंडी लगाए घाघरा पहन के भोलेनाथ को लेके पार्वती मैया पहुंची और भोलेनाथ बोले कि ये तो मेरी सखी है। भोलेनाथ गए कैलाश, बोले सखिया तो तार दे महाराष्ट्र में, अब भोलेनाथ का महाराज तो आवे नहीं तांडव आवे, जैसे एक हाथ मारो एक गोपी गिरी बिचारी, 2 घंटा होश नहीं आयो। तो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, पार्वती जी मना के हारी ना माने तो प्रार वृंदावन आ गए। भोलेनाथ करे कि ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो ना पहचाने इस रात में, भोलेनाथ को ठाकुर जी पहचान गए यही तो भूली गोपी है। तो भोलेनाथ वृंदावन चले, बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। चार लोगों ने महाराज का दर्शन किया बहनों, चार लोग कौन कौन है? प्रथम है चंद्रमा जी, 6 महीने की रात की इसमें जल में पानी पानी होके गिरे, माने अमृत डाल दिया, जल को मीठा कर दिया। दूसरे है भोलेनाथ, गोपी बने। तीसरे है गुसाई जी, गुसाई जी ने महाराज का दर्शन किया, 11वें नंबर की बैठक बनाई। और चौथे है दाऊ दादा, जिन्होंने शरीर मनुष्य को बनाया, मुख सेब को बनाया और लुक लुक के महाराज को दर्शन किया, तो लुक लुक दाऊ नाम पड़ गए उनको। जैसी गोपी ने माथो ओढ़ो चंद्र सरोवर आए के महाराज में, तो ठाकुर जी बोले क्या बात है गोपी, बोले हमारी जेठ जी देख रहे हैं। जैसी ठाकुर जी ने टेढ़ी भोंक करी दाऊ दादा ढोक गए, नाम पड़ गया ढोका दाऊ, बोले ढोका दाऊ की। उसके बाद में कहते हैं हमारे महाप्रभु जी के चार शिष्यों में सूरदास जी प्रथम थे, पुष्टि मार्ग का जहाज है, उन्होंने 73 वर्ष तपस्या करके 1.25 लाख का संकल्प लिया और बाबा ने यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के 1 लाख पद लिखो। प्रथम पद गायो चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगुहिर लंघे अंधेरे को सब कछ दर्शाई, बहरो सुने गुंग पुल बोल गाँव अंगर भरे वाजी। तो बाबा कुआं में गिर गए थम से और भगवान चल दिए, भगवान ने सोची बाबा चल दिए पीछे पीछे, बार बार बोले ब्रजवासी बोले बाबा गिर गो बाबा गिर गो, और सूरदास बोलो सूरदास बाबा बोले अंदर से कि भैया जाने गिरो वही निकाले वो। जैसे ठाकुर जी आए तो बाबा को हाथ पकड़ो, तो बाबा ने पद बोलो कि कहा छुड़ाई जाती हो निबल जान के मोय, और हृदय में से जाएगा भैया मर्द बखानू तो, कि बाबा बाबा बोलो कि हाथ चुड़ा के भाग जा पर मेरे हृदय से जाके देखा पर जब मानू तो मर। बोले कैसे बनावे कि जिनको सब कुछ दिखे, गुसाई बालक गिरधर लालो कृष्ण बोले श्री जी बाबा, बाबा बोलो परीक्षा ले लो। अब बाबा की जैसी परीक्षा ली उल्टा उसी को श्रृंगार करो, तो बाबा ने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़ दिए, तो पद बोलो कि आज हरि देखे नंगा मुँह नंगा, आज हरि देखे नंगा मुँह नंगा, जल मुतियन उरमाल विराजे नाहे जंगम झंगा, आज हरि देखे नंगा मुँह नंगा। आज तो ठाकुर जी को नंगो देखो है, गले में मुतियों की माला वो भी पानी में गई, को पालो पर मुँह ऐसा ना लगे कि नंगो दर्शन किया, पर आज ठाकुर जी कितने असीम अनुकंपा है कि मुँह को नंगो दर्शन दिए। इसके बाद में बाबा आगे और कल्पना करने लगे 105 वर्ष के हो, उन्होंने पद बोला तो श्री जी बाबा बोले सूरदास जी आपके 1 लाख पद पूरे होने के ऊपर आपने गुरु का वर्णन तो किया नहीं, तो आश्रय पद बोला कि भरोसो दरियन चरणन केरो, भरोसो दरियन चरणन केरो, आपके ठाकुर जी की नाखून की तुलना ये चंद्रमा नहीं कर सके, क्योंकि ठाकुर जी के नाखून से जगत प्रकाशित मान है और इनके नाखून के नीचे सब अंधकार है। साधन और नाइदा कल में जासो हो तू निवेरो, के प्रभु कलयुग में इनके नाम के अलावा कोई भी साधन नहीं है, जैसे मेरा निवेर हो के अंदर पंछी है वो आत्मा रूपी पंछी मन रूपी पंछी,
कहे प्रभु ये शरीर रूपी मन रूपी पंछी शरीर रूपी पिंजरा को तोड़ने की कहे, अगर ये पंछी उड़ भी जाए तो आप ही मेरी वचन की लाज रखो। तो बाबा अंदर गए तो बाबा ने पद बोलो कि दग खंजन मृग नैना माती सुमरत है दिन राती। कहे प्रभु खंजन पर सामान जो मेरे रहना है अगर ये मिट्टी में मिल जाए दिन रात आपका सुमरन करते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो बाबा ने शरीर त्याग दियो, बच्चे 25,000 पद वो ठाकुर जी ने वहां ले गए। ये जो स्थान है ये पारसर ऋषि की तपस्या स्थली, यहाँ ये पारसर ऋषि की तपस्या स्थली है। तो वहां पे चार नाम है, जिस समय महाप्रभु जी पधारे मेहमतपुर नाम भगवान ने चंदा मांगो चंद्र सरोवर और हमारे पारसर ऋषि ने तपस्या करी तो परास्त हो सूर तपी। इसके बाद में कहते हैं सभी हाथ जोड़ेंगे चंद्र सरोवर को, बोलो हरिओम अक्षपदे यमुना कुले ब्राह्मण वचन विष्णु प्रसाद चंद्र सरोवर अष्टद्वार दर्शन में सदगुरु के सानिध्य में हे प्रभु निरोगी काया बने प्रभु भक्ति मिले ब्रज का वास मिले ऐसा नमस्कार स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोलो राधा रानी की चंद्र सरोवर धाम की।
बिचारे प्रेम का सौदा किया ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रज की अधिष्ठात्री भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी राधा रानी जी का मंदिर जहां आज हमारे भक्तों ने आयोजकों ने बंगला सजाने की भी व्यवस्था की हुई है, वहां प्रसाद भी लगेगा, शहनाई भी बुलाई हुई है, वहां के लिए हम लोग चलेंगे। उसके साथ साथ जयवर वन जयपुर मंदिर दानगढ़ भी महंगे हाँ। लता सखी का जो प्राकट स्थल है ऊंचा गाँव वहाँ चलेंगे, नंदगांव चलेंगे, ओकिलावन चलेंगे, बहुत सुंदर स्थल है आज जिनका हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोग जैसे प्रेम भाव से प्रतिदिन आनंद ले रहे हैं ऐसे आज भी आनंद लेंगे, और आनंद तो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा सब लोगों को अनुभव हो रहा है। और किसी को कोई थकान मैं देखता हूँ 8 बजे के पहले सब लोग तैयार होकर यहाँ जाते हैं। आप लोग जब घर में रहते हो शायद इतने जल्दी ना तैयार होते हो ना इतना काम करते हो, क्यों सही बात है कि नहीं? टाइम से बिल्कुल तैयार होकर सब आ जाते हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है, ब्रज भूमि की कृपा है। और इन संतों का पावन सानिध्य पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज जो जिनको भगवान मां नर्मदा के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, जीवन भर तपस्या किया, हमारे पूज्य गुरुकुले पूज्य स्वामी निरंजनानंद जी महाराज जिनके साधना पंचाग्नि साधना जिन्होंने लगातार 5 वर्ष तक किया है, और इनके विषय में तो कुछ कहना वही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाते हैं, इतने योग्यताएं हैं आपके जीवन में। हमारे स्वामी सम्मेलन जी महाराज तो बाल वक्त स्वभाव जिनका संत जीवन, और सबसे विशेष बात 7 दिन में द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन, मैं समझता हूँ शायद अकेले महात्मा पूरे भारतवर्ष में 7 दिन के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग के रिकॉर्ड में भारतवर्ष में नहीं समझता हूँ किसी ने किया होगा, तो जल चढ़ाए महाराज जी सब जगह 7 दिन कैलाशमान सरोवर का जल, और हमारे शंकराचार्य जी के परंपरा के संप्रदाय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो ब्रज के एक प्रतिष्ठित महापुरुष हैं जिनको सभी महापुरुष आदर देते हैं, हमारे प्रति इनका प्रेम है, और बचपन से जब से हम लोग यहाँ रहते थे तब से वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे जितने विद्वान स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज जो सर्वशास्त्र निष्णात हैं, खुशी की बात है कि हमारे साथ शास्त्र और शस्त्र दोनों में निष्णात महापुरुष साथ में चल रहे हैं। स्वामी शंकरानंद जी का स्वरूप आपने देखे था केदारनाथ में, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में है तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंतता है। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज प्रत्येक ग्रंथ से कई बार तो पुराणों की कथा ऐसे करते हैं, कोई बोलता है कि पुराण की कथा करनी है तो स्टेशन से पुराण की पुस्तक खरीदते हैं, ट्रेन में पढ़ते कथा करके आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य है, मैं तो फिर कहूंगा कि ये यात्रा शायद दुर्लभ यात्रा है, और अभी तक तो हमारी ये 9 यात्रा करा चुके ब्रजेश गोस्वामी यहाँ खड़े 9 यात्रा है, लेकिन वो कहते हैं इस यात्रा में जो आनंद आ रहा है वो किसी यात्रा में नहीं आया है, स्वयं कह रहे तो ब्रज के गोस्वामी है और पठित हैं भागवत कथा करते हैं, तो ऐसे यात्रा का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और ऐसा पता ही लग रहा है कि आज 6वां दिन आ गया, कल यात्रा पूरी हो जाएगी, 1 साल से जिसकी यात्रा की तैयारी हो रही थी और दिन कब निकल गया रात कब निकल गया पता नहीं लगता है, ये ठाकुर जी की कृपा है, सभी लोग स्वस्थ प्रसन्न है। आज कुछ अपने आशीर्वचन हमारे वेदांत केसरी
कि ब्रज में आकर के विगलित हो गए हैं, विगलित मतलब प्रवृत्त हो गए हैं, जिनका वेदांत अब कृष्ण में हो गया है और आज किशोरी में भी हो सकता है क्योंकि वो तो ब्रह्म विद्या है। ब्रज की उपासना में किशोरी जी को ब्रह्म विद्या के रूप में भी कहा गया है, तो ब्रह्म विद्या तो इनका अपने घर की वस्तु है। किशोरी जी आलादनी शक्ति है, भगवान कृष्ण का कोई कार्य किशोरी जी के बिना संपन्न होता नहीं, वो चाहे महाराज हो, चाहे बाल लीला हो, चाहे उनका प्राकट्य हो, पूरे भी कार्य अधिष्ठात्री देवी यहाँ की किशोरी जी है, राधा रानी पूरे बजती है। आज उनका हम लोग दर्शन करेंगे और इनके क्षेत्र में पूरा विचरण होगा और दोपहर का भोजन आज किशोरी जी के घर में। किशोरी जी की माता का नाम जानते हो क्या? कीर्ति रानी। कीर्ति रानी के मंदिर में आज हम लोगों का सबका भोजन प्रसाद है उन्हीं के घर में, ये बड़ा सहयोग है, सौभाग्य है। तब मैं स्वामी मुक्तानंद जी से कहूंगा कि अपने मुक्त कंठ से वेदांत को विजित करके और कृष्ण प्रेम में किशोरी जी के प्रेम में अपना आशीर्वचन सभी लोगों को देंगे। स्वामी मुक्तानंद जी ब्रज चौरासी परिक्रमा और आठवें दिन उसका उत्सव, ये हमारी ब्रज चौरासी परिक्रमा हमारे किसी के द्वारा भी आयोजित नहीं है, ये सारा का सारा श्रेय हमारे भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। उन्होंने ही स्वामी जी के अंदर प्रवेश करके और एक इच्छा जाहिर की कि आओ मेरे सबको, जहां जहां मैंने लीलाएं की है वहां वहां पर तुम देख तो लो। भगवान श्री कृष्ण को हम अपना मित्र मानते हैं और हमारा वेदांत बिना श्री कृष्ण के पूरा है ही नहीं। हमारे तो वेदांत में प्रस्थान त्रयी है और प्रस्थान त्रयी में स्मृति के रूप में श्रीमद् भगवद गीता प्रमाण है। इसलिए वेदांत की जहां तक हम बात करें तो श्री कृष्ण के बिना अद्वैत वेदांत अधूरा है। हमारे जो चौब्रज चौरासी परिक्रमा में जो रस और जो आनंद आया, जैसे भगवान ने कहा रसो हम अब सुपौनते, जितने भी रस हैं चाहे वो फल में हो, फूल में हो, इक्षु में हो, जितने भी रस हैं वो सारे के सारे रस स्वरूप परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। वो रस स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब रस जब हम बाहर के रस को छोड़ करके और भक्ति के द्वारा अपने अंदर उसको अनुभव करना चाहते हैं तो हमारी समस्त इंद्रियों के द्वारा बाह्य विष्णु का त्याग करके और आंतरिक वृत्तियों के द्वारा जब कृष्ण का चिंतन करते हैं तो हमारा आंतरिक रस होता है। वही जो आंतरिक रस है जो हमारे मन में प्रत्यय है वही बाहर जगत में है, जो हमारे अंदर रस है वही हमें बाहर प्रकट होता। कल कुसुम वन गए, कुसुम सरोवर, कितना सुंदर दृश्य था, कितना शांत वातावरण था, लग रहा था कि जैसे आज ही यहाँ बगीचा है, उद्यान है, आराम है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, ऐसा सुंदर और रमणीय जो हमारे अंदर भावना है वो हमारे अंदर की भावना ही बाहर प्रकट हो। इसी प्रकार से जहां जहां भी हम कल गए संत सूरदास जी की समाधि के अंदर गए, ऐसा लग रहा था जैसे मान लो हम किसी सिद्ध महापुरुष की गोद में बैठे हुए हैं और उनकी कृपा हम पर हो रही है। ये अनुभूति की विषय है, ये अनुभूति का विषय है। जिस संत ने 70 वर्ष तक एक कुटिया में रह करके आराधना की हो वो सूरदास नहीं थे तो कृष्ण में, कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप थे। ऐसे संत की समाधि में हम गए। हम पूछड़े के लोठा में क्या देखा? भगवान कृष्ण के सखा है और भगवान कृष्ण के सखा सबको बता रहे कि कृष्ण क्या है, इसलिए तो पूछ भी है ना। एक सखी ने कहा तू पूछ रही, पूछ रही माने ये सखी तू पूछ ली, पता कर ले वेयर इज लॉर्ड कृष्ण डिसअपीयर, भगवान कृष्ण कहां गए। और वो बैठे बैठे बता रहे कि जरा अपने अंदर झांक करके देख।
और इसीलिए भागवत में लिखा कि भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के मध्य में प्रकट होते, हमारे ही तो हृदय में बैठे रहे, न कहीं से उनको आना है न कहीं उनको जाना है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह है, जहां हम उनको याद करेंगे वहीं पर वो प्रकट हो जाएंगे। एक संत भीमा नदी के तट पर थे, दूसरा वहां से जा रहा था तो संत ने कहा कि कहां जा रहे हो, ये भीमा नदी का तट है, यहां पर एक श्यामल वर्ण का एक छोटा सा बच्चा है, उससे ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो उसको तुम देख लो और वही अटक के रह जाओ, तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाए। एक संत के लिए भीमा नदी का तट वृंदावन है, एक संत के लिए कावेरी नदी का तट वृंदावन है, हमारा हृदय वृंदावन है और हमारे हृदय में उठने वाले सारे के सारे भाव तत् तत् भगवान की लीलाएं हैं। आओ हम हृदय से भाव से इनके दर्शन करें, क्योंकि बाह्य जगत परिवर्तनशील है, बाह्य जगत परिवर्तनशील है, हो सकता है कि यमुना किसी समय वंशी पट के उस तरफ बहती हो सकता है इस तरफ बहती, एक गौण है, मुख्य क्या है भगवान श्री कृष्ण से वंशी ध्वनि की क्लिप मंत्र का उच्चारण किया, वो मंत्र का उच्चारण से ही वो ध्वनि से ही है, लेकिन वो जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो नर्मदा ना वो यमुना जो रस स्वरूप है वो हमारे हृदय का झंकार और रस और आनंद ही है जो आज भी हमारे अंदर है। तो इसलिए आप केवल भौगोलिक वस्तुओं को पदार्थों को देख करके ऐसा हुआ या नहीं हुआ, भौगोलिक स्थितियां बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, हमारे भाव जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो अपरिवर्तनशील हो जाते हैं, यही तो भक्ति है, भक्ति इसी का नाम है कि हम भगवान से एक हो जाएं। और जो दिव्य लीला यहाँ हुई है, हम भौतिक जगत से उठ करके अध्यात्म जगत में चले जाएं और अध्यात्म जगत से उठ करके परमात्मा के साथ एक हो जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत सुंदर ढंग से आयोजन हो रहा है, हमारे जितने भी आयोजक हैं श्री शरणम के या हमारे अशोक केजरीवाल जो भी हैं, केतन जी हैं हमारे, केतन जी का तो क्या कहने, इतना भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, अब उनको तो क्या आशीर्वाद क्या बधाई क्या दें, भगवान स्वयं उनके पास आकर के बैठ गए और उनके हृदय में आकर के कहा कि केतन मैं तेरे पास हूँ, जरा मुझे सजा दे संवार दे, क्योंकि मैं बिना सजे सवरे खेलने जाता नहीं, और केतन जी ने इनको सजा संवार दिया। तो बहुत सुंदर दिव्य विग्रह है, उन सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे, बड़ा सुंदर प्रसाद है, व्यवस्था है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, बस एक चीज और अच्छी हम बना लें, जहां भी हम जाएं उन लीलाओं को अपने हृदय के अंदर अपने भाव से देखें, जब अपने भाव से देखेंगे तो लीलाएं हमें सजग होती हुई दिखाई देंगी। श्री राधा रानी, मैं बहुत पुराणों में या इसमें नहीं जाऊंगा, मेरा हाथ उठ रहा है अपनी शक्ति से, मैं सुन रहा हूं अपनी शक्ति से, ये जो शक्ति है ये शक्तिमान से अभिन्न होती है और बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ भी करने में समर्थ होता नहीं, जितना भी सामर्थ्य है वो शक्ति से ही आता है, इसलिए उनकी जो शक्ति है वो किसी भी रूप में आप देखें, किसी भी रूप में आप श्री राधा के रूप में देखे, श्री सीता के रूप में देखे, श्री रुक्मिणी के रूप में देखे, श्री सती के रूप में देखे, पार्वती के रूप में देखे, एक बात ध्यान रखना, तब तो एक है तब तो 10-20 नहीं है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा भी 10-20 नहीं है, वही परमात्मा विभिन्न प्रयोजन के लिए जब विभिन्न रूप धारण करते तो उनके नाम विभिन्न हो जाते हैं, एक ही परमात्मा की शक्ति भी एक ही है, वही शक्ति प्रयोजन के कारण विभिन्न रूप धारण करते तो नाम विभिन्न हो जाते हैं, आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन भगवान जो कृष्ण की शक्ति है, भगवान कृष्ण उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, आपकी शक्ति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी इंडिविजुअल पावर, अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत शक्ति को उस महाशक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के साथ एक करके देखना, आपको कृष्णानुभूति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
वो मेरे बड़े भाई साहब हैं। ओम शांति शांति।